हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल इंग्लिश टू टेक वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं पोयम वाइफ के बारे में, जिसको लिखा है हिमानी बनर्जी जी ने। सो फ्रेंड्स, हिमानी बनर्जी के लाइफ और वर्क से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो प्लीज़ आप उस लिंक को जरूर चेकआउट करिए, क्योंकि हिमानी बनर्जी के साथ ही साथ में पोयम वाइफ से रिलेटेड भी कुछ की पॉइंट्स का यूज़ किया है मैंने, उसमें कुछ की पॉइंट्स को भी रखा हुआ है जो कि पोयम पढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा जान लेना जरूरी है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस लिंक को चेकआउट करिए, उसके बाद में फिर यहाँ पर आकर के आप वाइफ पोयम को पढ़िए। तो फ्रेंड्स, हम लोग पोयम वाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है हिमानी बनर्जी जी ने, जैसा आपको पता ही है। और इसकी जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसके ऊपर चलने से पहले हम लोग सबसे पहले इसकी कुछ ऐसा थीम समझ लेते हैं, ऐसा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लेते हैं, जिससे हम लोगों को ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी थीम की अगर हम बात करें, तो किस थीम पर ये बेस्ड है, तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि एक सिंपल लाइन में इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है पूरी पोयम को। ये एक छोटी सी लाइन है, प्रोटेक्टर शुड बी प्रोटेक्टेड, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है। ठीक है, छोटी सी लाइन है, लेकिन इसमें पूरी पोयम का एक तरीके से क्या सार छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं प्रोटेक्टर शुड बी प्रोटेक्टेड, एक तरीके से ये पूरा सेंट्रल थीम है जो भी पूरी पोयम है, कि प्रोटेक्टर का क्या मतलब होता है, जो हमारी रक्षा करने वाला होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर उसको भी रक्षा के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरीके से, जैसे कि अगर एक कोई बॉडी गार्ड है, वो दूसरों की रक्षा करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको किसी भी प्रकार की, वो एकदम निडर घूम सकता है, उसको कोई डर ही नहीं है। उसको भी तो जरूरी है, उसकी भी तो कोई रक्षा करने वाला होना चाहिए ना, उसकी भी तो कोई प्रोटेक्शन करने वाला होना चाहिए। तो उसी तरीके से इस पोएम में क्या बताया गया है कि जो हमारी वाइफ है, वाइफ जो है, तो वो उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जो कोई जो वाइफ होती है, उसके पास ढेर सारे काम होते हैं, जैसे उसको अपने घर का भी काम करना होता है, अपने बच्चों को संभालना होता है, अपने हस्बैंड का ध्यान रखना होता है, जो बीमार हो जाए उसकी भी रक्षा, उसकी भी सेवा करनी होती है, और जो घर में आ जाए उसकी भी खातिरदारी करो, हर एक सारी जिम्मेदारी होती है ना। तो वो सभी को वो एक तरीके से प्रोटेक्टर होती है, रक्षा करने वाली होती है हर एक लोगों की, वो क्या करती है, प्रोटेक्टर होती है। ठीक है, लेकिन उसकी उसको कोई प्रोटेक्शन देता ही नहीं है, उसको कोई उसकी कोई रक्षा उसकी कोई उसको कोई समझता ही नहीं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको किस चीज़ की डिमांड है, इस चीज़ के बारे में किसी को कोई भी परवाह नहीं होती है। ठीक है, तो इसी यही चीज़ हमारी पोइटेस हिमानी बनर्जी को लिखी लगी, तो उन्होंने ये पोयम को, हमारी वाइफ पोयम को उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर द थीम में क्या है कि जो हमारी वाइफ है, वो एक तरीके से क्या है, प्रोटेक्टर है। वाइफ इज अ प्रोटेक्टर, अभी बताया ना कि प्रोटेक्टर कौन थी, हमारी वाइफ थी। वाइफ इज अ प्रोटेक्टर दैट प्लेज द रोल ऑफ, उसको एक तरीके से मदर का रोल भी प्ले करना पड़ता है, सिस्टर का रोल भी प्ले करना पड़ता है, आंट का, यानी हर तरीके के काम, हर तरीके का रोल उसको प्ले करना पड़ता है। बट सी ट्रीटेड बैडली एंड ब्रूटली, ठीक है, लेकिन वो जो होती है, वो दूसरे लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट की जाती है। उसको कोई भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता, उससे कोई भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता। ठीक है, उसको एक तरीके से ये समझ लेते हैं कि जैसे कि वो एक तरीके की फियरफुल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, फियरफुल कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ कि फियरफुल कंस्ट्रक्शन मतलब कि एक तरीके से जो मेल्स होते हैं, जो कि आदमी होते हैं, उसके हस्बैंड्स वगैरह होते हैं, उसको एक तरीके से दबा करके, डरा करके रखते हैं कि इसको एकदम फियरफुल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और एकदम ग्रेनाइट जैसे पत्थर होता है, एकदम उसके समान उसको एकदम शांत होना चाहिए, बिल्कुल किसी से कुछ बोलना नहीं है, और एकदम जैसे ग्रेनाइट पत्थर होता है उसकी तरीके, एकदम काले पत्थर की तरीके अपना काम करते रहो, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं रखो, अपना काम करो, बस सबको खिलाओ बनाओ सब कुछ करो, लेकिन मतलब अपने तरफ से उसको उसको अपना जो भी ओपिनियन होता है उसको अपना रखने का कोई भी अधिकार नहीं होता। एक तरीके से वो रॉक की तरीके समझी जाती है, पत्थरों की समान माना जाता है। ठीक है, मेल्स की क्या मेंटेलिटी होती है, ये भी बताया गया कि मेल मेंटेलिटी एक्सप्लेन्स वाइफ एज आ स्पीचलेस। वो क्या हमेशा सोचते हैं जो मेल होते हैं कि वाइफ को हमेशा एकदम स्पीचलेस होना चाहिए। ठीक है, उसको कुछ बोलने वाला नहीं, एकदम साइलेंट क्रिएचर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव वाला हो और अपना काम करता था। ठीक है, फ्राइटेंड पीपल जो कि डर, और यहाँ पर ये लाइन खत्म हुई, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, द फ्राइटेंड पीपल, जो डरे हुए लोग रहते हैं। जबकि जो डरे हुए लोग होते हैं, जब कभी भी मेल्स को, जो उसके हस्बैंड्स होता है, उसको कोई भी दुख होता है, तो सबसे पहले वो अपनी वाइफ के पास ही जाता है, उसी को सबसे पहले अपनी बातों को बताता है। ठीक, उसी से सबसे ज़्यादा शेयर करता है। तो द फ्राइटेंड पीपल, जो बहुत ज़्यादा डरे हुए लोग होते हैं, पीपल टेक रिफ्यूजी, ठीक है, इन हर इज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड अ प्रोफेशन, उसको उसके पास जाते हैं, उससे अपनी बातों को शेयर करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, और साथ ही साथ में ये क्या बताया कि सी इज अ प्रोटेक्टिव चील एंड अ सोलेसिंग सोल फॉर द सफरिंग ह्यूमैनिटी। और साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो भी किसी प्रकार से सफर कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी की प्रॉब्लम्स को वाइफ तो सुनती है, जो एक तरीके की वूमेन होती है, वो सुनती है सभी की प्रॉब्लम्स को, सभी की प्रॉब्लम्स की एक तरीके से रेमेडी होती है। रेमेडी का क्या मतलब, उपचार वो कर देती है, हर एक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, अगर हस्बैंड पर भी अपनी कोई दिक्कत आ जाए ऐसी, उसके अगर
उसके हाथ में होता है कुछ, तो वो भी उसको सॉल्व करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक एक किनारे अनसॉल्व एक किनारे पड़ी रहती हैं, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं सुनने वाला होता है और अनसॉल्व ही हमेशा बनी रहती है। जो सबसे दुखद पार्ट है वो क्या है कि उसको अपनी उसको अपना हक और रखने का भी कोई अधिकार नहीं होता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई रेमेडी भी नहीं मिलती। अगर मान लो कि किसी चीज़ से कोई भी परेशान हो गई तो उसको अपना अपना मतलब एक तरीके से रेमेडी भी मांगने का अधिकार नहीं होता उसको, ये भी नहीं कि तुमको चलो किसी भी प्रकार का तुमको हम ये करेंगे, तो इसको रेमेडी भी किसी प्रकार की नहीं मिलती। ये सबसे सैडेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये हमारी पोइटेस ने बताया। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो उसके लिए सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। और अब थोड़ा सी एक और चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद फिर ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जिससे आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोयम है, द पोयम वाइफ हैज़ बीन कम्पोज बाय हिमानी बनर्जी, ये जो पोयम है वो हिमानी बनर्जी के द्वारा लिखी गई, तो पता ही है। द पोयम इज़ कम्पोज इन फ्री वर्स, किस में लिखी गई, फ्री वर्स में लिखी गई। ये सारी चीज़ें अभी हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी, लेकिन फिर भी अब जो लोग नहीं देखना चाहते हैं फिर भी ये लगता है कि भाई बता दो चलो, ताकि समझ में तो आ जाए लोगों को। तो फ्री वर्स में लिखी गई है, हैविंग इन रेगुलर मीटर राइम्स एंड राइम स्कीम्स वगैरह का यूज़ किया गया है, ऐसे स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है, और इसमें इसमें केवल चार स्टैंजाज हैं, ठीक है। पूरी लाइन जो पूरी जो पोयम है वो 50 लाइंस की पोयम है, ठीक है, ध्यान रखिए कितनी लाइंस की पोयम है, 50 लाइंस की पोयम है, और द जिसमें फर्स्ट स्टैंजा में केवल थ्री वर्स लाइन का यूज़ किया गया है, ठीक है। और उसमें एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ वाइफ, की वाइफ एक्चुअली में है क्या। फर्स्ट स्टैंजे में केवल वाइफ के बारे में बात करी कि वाइफ है क्या, एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। और जो सेकंड स्टैंजा है उसमें एट वर्स लाइन है, एट वर्स लाइन मतलब कि फर्स्ट में थ्री है, सेकंड में एट है, एट वर्स लाइन ऑलमोस्ट ऑक्टेव, एक तरीके से ऑक्टेव है, जिसमें कि एक तरीके की वाइफ के ओपिनियन को बताया गया, ठीक है। तो और जो थर्ड स्टैंजा है उसमें वो सबसे लंबा स्टैंजा है, और उसमें 31 वर्स लाइन्स हैं, ठीक है। तो सब फर्स्ट में थ्री, सेकंड में एट, और थर्ड में 31 वर्स लाइंस का यूज़ किया गया है, सबसे लॉन्गेस्ट स्टैंजा है, हैविंग 31 वर्स लाइन। इट डील्स विद द कंडीशन ऑफ वाइफ इन प्रेजेंट सिनेरियो, इसमें क्या बताया गया है थर्ड स्टैंजा में कि किस तरीके से क्या वाइफ की क्या भी कंडीशन है आज के टाइम पे, ठीक है, इस समय। और इट ऑल्सो डिस्क्राइब ये चीज़ और ये और भी एक चीज़ डिस्क्राइब करती है कि वाइफ प्रोटेक्ट्स अदर बट सी इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, वो दूसरे लोगों को तो प्रोटेक्ट करती है, दूसरे लोगों को अच्छा करती है, लेकिन वो उसकी कोई संरक्षण करने वाला, उसकी कोई अच्छा करने वाला, उसका कोई ध्यान देने वाला नहीं होता, ठीक है। द लास्ट स्टैंजा इज़ लाइक द सेकंड स्टैंजा, जो लास्ट स्टैंजा है उसमें भी एट लाइन वर्ड्स का यूज़ किया गया है, वो भी सेकंड स्टैंजा के तरीके है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उसमें भी एट लाइन वर्ड्स का यूज़ किया गया, यानी कि टोटल 50 आपकी लाइंस निकल के आती हैं, ठीक है। डिटेक्ट्स अगेन द मैन मेंटेलिटी, और लास्ट स्टैंजा में मेल्स की मेंटेलिटी को बताया गया कि किस तरीके से उसके साथ में बिहेव किया जाता है, और एटीट्यूड वर्ड्स वाइफ ऑफ द पोइट्स सो फॉर एज द एटीट्यूड, और फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसको जो जानना था उसको हम लोगों ने बता दिया है फिलहाल, और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर अब हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जिससे हमारी पोयम जो है वो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस बार मेरे को कहीं से ओरिजिनल टेक्स्ट तो मिला नहीं, बुक है जिसकी मैंने एक पिक खींची है उसी पे बेस्ड है, और आपको यहीं से पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है पोयम में। तो आई ऑफ्टन थिंक ऑफ हर दिस थिंग कॉल अ वाइफ, व्हाट इज़ वाइफ, कि जो पोइटेस है हमारी हिमानी बनर्जी जी, वो किस विषय में बात करती हैं कि मैं हमेशा सोचा करती थी कि क्या वाइफ होती क्या है, एक्चुअली में वाइफ का मतलब क्या होता है, और वाइफ मीन्स होता क्या है, वाइफ है क्या, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट स्टैंजा से एक तरीके के क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टैंजा हमारा क्वेश्चन बेस्ड स्टैंजा है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन ही पूछा गया कि वाइफ है क्या एक्चुअली में, ठीक है। जो यहाँ पर पोइटेस है हमारी हिमानी बनर्जी जी, वो एक चीज़ में सोचती है कि पत्नी कहते किसको हैं, ठीक है, केवल या फिर केवल एक तरीके की वो वस्तु है क्या। आई ट्राई टू थिंक ऑफ हर इवन एज आई एम, कि वो मेरे जैसी ही तो कोई होगी, एक वूमेन होगी, स्मॉल लिमिटेड फॉर्म, एक जिसका एक तरीके का छोटा सा फॉर्म होगा, मेल से छोटा होगा फॉर्म, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी, कोमलता से वो भरी हुई होगी, एक तरीके की लेडी है। सो वाइफ एक तरीके की लेडी है, जो कि वुमेन सोचती है कि वो भी मेरी तरीके ही होगी, और जिसका जो फॉर्म होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, और उस छोटे से फॉर्म के अंदर वो उसका जो स्वरूप होगा, मतलब कि वो किस तरीके से बनी होगी, ये सोचती है कि वो बहुत ही छोटा, उसका जो आकार होगा बहुत छोटा सा होगा, और उसी छोटे से आकार के अंदर वो बहुत उसके अंदर कोमलता भरी होगी। कोमलता का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार सम्मान लोगों का करना, ठीक है, उसका जो एक आकार होगा, जिस तरीके से वो बताती है कि उसका छोटा आकार होगा, और उसके आकार में बहुत सारे कर्व्स होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा मरोड़ टाइप के होंगे, जैसे हर एक तरीके का लचीलापन, ठीक है। तो उसके शरीर में एक तरीके से छोटे छोटे से बाल भी होंगे, जैसे उसके शरीर में होंगे, जो भी हमारी पोटे से मैं बनी, और दांत होंगे, दो हाथ होंगे उसके पास में, और एक तरीके से उसको
रेस्टिंग प्लेस भी होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि एक तरीके का रेस्टिंग प्लेस भी होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हेयर होंगे उसके, जो भी एक तरीके की वाइफ होगी वो भी एक तरीके की इंसान होगी मेरे तरीके, जो जिसका आकार बहुत छोटा होगा और वो मेरी तरीके होगी। उसके छोटे से आकार के अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस भरी होगी, उसके हेयर्स होंगे, उसके टीथ्स होंगे और दो हाथ होंगे काम करने के लिए, और उसको रेस्टिंग प्लेस की भी ज़रूरत पड़ती होगी जब जब मतलब कि बहुत ज़्यादा वो थक जाती होगी। और ये रेस्ट कभी कदार आवश्यकता के अनुसार, ये रेस्टिंग प्लेस जो है आवश्यकता के अनुसार बढ़ भी सकता है। जब वो बहुत ज़्यादा काम कर लेती है तो उसको एक तरीके का रेस्ट रेस्ट करने वाला प्लेस उसके अंदर जो होता है वो आवश्यकता के अनुसार वो भी बढ़ जाता है, उसको रेस्ट करने की और ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी लाइन 1 से 11 यहाँ पर ये थी, और अब हम लोग चलते हैं लाइन 12 से लेकर के 27 तक की। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी यहाँ पर ये जो हमारी लाइन लिखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन्स पर। तो और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन 12 से 27, यहाँ पर 12 से लेकर लाइन 27 तक बताई गई है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि बट आई कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी। ठीक है, जो एक तरीके से यहाँ पर इन्होंने अभी ये बताया कि वाइफ है क्या, और वाइफ क्या है अभी इन्होंने अपने मन से क्वेश्चन पूछा और उसी का सोल्यूशन भी अपने अंदर से निकाला। अब यहाँ पर सेकेंड लाइन में हम लोग क्या समझेंगे कि जो उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, एक तरीके की लाइफ उसके पास जीने के लिए बहुत कम होती है, और उस छोटी सी लाइफ में वो अपने अपनेपन का एहसास ही नहीं कर पाती, उसको पता ही नहीं चल पाता कि मैं एक तरीके की स्त्री हूँ, मैं एक तरीके की लेडी भी वूमेन भी हूँ। जो वो अपने स्त्रीपन का यानी कि वूमेननेस का एहसास नहीं कर पाती है कि मुझे मैं एक कोमल हूँ, मेरे अंदर मैं बहुत सुंदर हो सकती हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का उसको कभी भी फील नहीं कर पाती। और फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि लेकिन जो यहाँ आई कैन नॉट सी, कि मैंने कभी भी देखा नहीं कि इस तरीके की वूमेन जो कि कभी अपने बारे में सोच सकती हो, अपने अपने बारे में विचार कर सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अ वूमेन अ पर्सन व्हेन आई कॉल कंज्यूमिंग हर। तो जो यहाँ पर जो पोइटस है उनका क्या मतलब है कि जो एक तरीके की वाइफ होती है तो उसको कभी भी अपने मन अपने में वुमेननेस का यानी कि एक तरीके की लेडी होने का कभी भी वो एहसास कर ही नहीं पाती जो वाइफ होती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम होते हैं और वो बहुत ज़्यादा बिजी इंसान होती है। ठीक है, और उसने अपना जो एक तरीके का ओरिजिनल फॉर्म है ओरिजिनल फॉर्म को खो दिया होता है। ठीक है, जब भी कभी अगर किसी भी वाइफ के बारे में अगर ये जो हमारी पोइटस हैं हिमानी बनर्जी जैसे ही सोचती हैं, आप जैसे क्या अगर हम लोगों ने सोचा आइसक्रीम, ठीक है, तो आइसक्रीम हमारे मन में क्या एक तरीके की इमेज आ गई ना आइसक्रीम की, तो इसी तरीके से जो हमारी पोइटस है वो सोचती हैं अगर वाइफ, तो वाइफ के सामने उनकी किस तरीके से इमेज आती है वो यही चीज़ बताना चाहती है कि अगर वो कहती है कि वाइफ, ठीक है, तो क्या उनके सामने अपीयर्स होता है कि एक तरीके का ह्यूमन, एक तरीके का ऐसा इंसान जो कि पत्थर के जैसा बना होता है, ग्रेनाइट एकदम काले कलर का बना होता है, और बट अ मोनोलिथिक। ठीक है, मोनोलिथिक का क्या मतलब होता है कि एक तरीके से जो इंसान है जिसमें सांसें चल रही हैं लेकिन एकदम हो, उसको अपने चीजें रखने का अपने अपनी बात बताने का कोई भी हक नहीं प्रदान किया गया है, उसे शक्ति और सकल सब दिया गया है। भगवान उसको क्या दिया है, यहां पर आगे आप देखिए कि एक तरीके से ग्रेनाइट फॉर्म में उसके सामने वो चीज़ निकल के आती है, अपीयर होती है। ठीक है, जब वो सोचती है एक वाइफ के बारे में तो एक तरीके का ग्रेनाइट फॉर्म जिसके पास में सब चीज़ें होती है, दिमाग होती है, बुद्धि होती है, हर चीज़ होता है, एक तरीके का उसकी खूबसूरती भी होती है, रंग भी होता है, लेकिन लेकिन जो एक उसके दिमाग में एक और भी चीज़ आती है वो क्या बताती है कि वाइफ एक ऐसी भी होती है जो कि अपने एक घर के आकार में ही मुड़ गई होती है। जैसे कि पानी पानी को जिस भी बर्तन में डालो वो उसी में मोल्ड हो जाता है ना, वो उसी तरीके की अगर बर्फ़ आप जमाएंगे तो उसी के आकार की बर्फ़ भी जमेगी। तो उसी तरीके से जो वाइफ होती है वो क्या सोचती है कि वो भी जो वाइफ है अपने घर जिस भी घर में रहती है उसको उस घर के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑफ अ हाउस एक तरीके से वो केज केव में रहती है, पिंजड़े के रूप में रहती है जिसमें कि केवल दो आँखें हैं उसके पास में, और उन्हीं दो आँखों से केवल वो दुनिया की बाहरी चीज़ों को खिड़की खिड़की के तरीके से वो देख सकती है। जैसे कि अगर कोई भी किसी भी को भी बंद कमरे में एक रखा जाए और एक बस खिड़की हो उसको बाहर जाने के अनुमति ना हो, ठीक है, बाहर आने जाने का कोई वही नहीं है, तो वो केवल क्या खिड़की से देख सकता है। ठीक है, तो वो भी लोगों को देख सकती है, सुन सकती है अपनी दो आँखों से। ठीक है, एक तरीके से विंडो का जो काम करती है, ठीक है, तो उसको लोगों को देख सकती है केवल ऐसा विंडो फॉर्म में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लाइंस 28 से 42 देखिए, यहाँ पर क्या हमारी पोइट हिमानी बनर्जी जी ने बताया है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि हमेशा मतलब कि आई सी द फ्राइटेंड पीपल, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत डरे रहते हैं, कवरिंग इनसाइड हर हस्बैंड चिल्ड्रंस एज्ड पॉलिटिशियंस, मतलब कि जैसे कि कोई भी हस्बैंड है वो भी डरा हुआ है, चिल्ड्रन बच्चे भी जब डर जाते हैं, एज्ड जो भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं फिर पॉलिटिशियंस होते हैं जो डरे रहते हैं और जिनके लिए जो वर्ल्ड होता है बहुत ज़्यादा डार्क होता है, एक तरीके से डार्क बोले तो। ठीक है, डार्क का क्या मतलब कि यहाँ पर कठिनाई परेशानी जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी कठिनाई रहती है उन सभी को ये शेल्टर प्रदान करती है, जो वाइफ होती है वो एक शेल्टर प्रदान करती है। ठीक है, उन सभी लोगों को
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस एज टाइप के लोग होते हैं, उन सभी को एक कठिनाइयों से, परेशानियों से दूर निकालने में उन सभी की मदद करती है, ठीक है। वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट देम विद हर रॉकी स्ट्रेंथ। उसके अंदर एक तरीके की रॉकी स्ट्रेंथ होती है, रॉकी स्ट्रेंथ का मतलब चट्टानी ताकत होती है, ठीक है। और यहाँ पर इसका सीधा सा क्या मतलब है कि एक तरीके से आप मान सकते हैं कि आप एक, अगर आपको एग्जांपल लेना हो कि वो सबको शेल्टर किस तरीके से देती है, तो जैसे कि अगर आप कभी भी एक तरीके का अगर मदद की किसी ने मदद को देखा होगा, तो जब भी कभी किसी बच्चे के नंबर कमाते हैं तो उसके जो फादर होते हैं वो सीधे उसको मारने लगते हैं, लेकिन एक मदर ही ऐसी होती है जो कि उसको नेक्स्ट टाइम अच्छा करने के लिए इंस्पायर करती है, बोलती है कि नहीं अच्छा नेक्स्ट टाइम कर लेना। तो वो एक तरीके से डरा हुआ जो बच्चा होता है उसको एक तरीके से शेल्टर प्रदान करती है, ठीक है। तो उसके लिए जो डार्क वर्ल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रू डार्क हो जाता है, अंधकार। एक तो खुद ही दुखी है, ऊपर से उसको वो और ज़्यादा दुखी नहीं करती, उसको नेक्स्ट टाइम अच्छा करने के लिए बोलती है, ठीक है। जो फादर होते हैं वो जबकि उसको मारने लगते हैं, कहीं डांटने लगते हैं इस तरीके से, तो आप यहाँ पर इस चीज़ का डिफरेंस भी देख सकते हैं। उन सभी को अपने में कवर वो कर लेती, जो जो ये वाइफ होती है उन सभी लोगों को अपने में कवर करके रख लेती, ठीक है, जो भी उस डरे हुए लोग होते हैं। सी प्रोटेक्ट जम विथ हर रॉकी स्ट्रेंथ। रॉकी स्ट्रेंथ का भी मैंने मतलब बताया कि चट्टानी, उसके अंदर एक तरीके से चट्टान की ताकत होती, ठीक है, जिससे कि वो एक तरीके से, बट सी कैन नॉट मूव, लेकिन वो अपनी मूव नहीं कर सकती, अपनी ताकत को बाहर बाहर से प्रदर्शन नहीं कर सकती। वो एक तरीके से औरत होती है और औरत के अंदर बहुत सारी क्षमताएँ होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन वो समाज में जो भी रीति रिवाज कर्म कांड बनाए गए हैं उसकी वजह से वो सी कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकती, वो हिल नहीं सकती है। वो एक तरीके से मान सकते हैं आपकी जैसे कि कोई प्रेग्नेंट औरत हो। अब जैसे प्रेग्नेंट औरत का क्या मतलब होता है कि इसको एक तरीके की बॉन्डेज में रहना पड़ता है। बॉन्डेज का क्या मतलब कि इसको बंधनों में रहना पड़ता है, लोगों के सबको देख करके चलना पड़ता है, होल्डिंग द वर्ल्ड। वो अब उसकी वो एक तरीके से कि नोवा की आर्क, नोवा की आर्क का क्या मतलब, वो आर्क का क्या मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप कभी नाव में बैठे होंगे तो वो एक जो चलाया जाता है जिससे नाव, उसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। वो नोवा की आर्क जो होती है उसकी तरीके से जो भी पूरा वर्ल्ड होता है उस सभी को अपने में, उस पूरी नाव में वो समेट करके रखती है, और एक तरीके से प्रेग्नेंट औरत की तरीके मानी जाती है, क्योंकि उसको हर चीज़ की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है, ठीक है। तो वो एक तरीके से प्रेग्नेंट बनी रहती है। और यहाँ पर हर फीट्स रोटेड डीप डीप इनटू द अर्थ ऑफ द हिस्ट्री फ्लावर्स ऑफ रिचुअल्स प्रेज टू द इमोबिलिटी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो उसके जो वो हमेशा प्रार्थना किया करती है, और उसके जो उसका जो डोर होता है, डोर डोर के जो भी यहाँ पर स्टेयर्स होते हैं, जो जीने होते हैं डोर के स्टेयर्स होते हैं, उसमें सदैव हमेशा प्रार्थना के फूल ही वहाँ पर बिछे रहते हैं, जिससे कि वो हमेशा, इसका क्या मतलब हुआ कि वो हमेशा प्रार्थना किया करती है दूसरों के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी इज़ ग्रोन डार्क एंड साइलेंट। वो एक तरीके से साइलेंट रहती है, वो शांत शांत स्वभाव की होती है, और उसके अंदर एक तरीके की इनर फायर होती है। फायर का क्या मतलब कि उसके अंदर एक तरीके के इनर फायर, उसके अंदर की जो गर्मी होती है, अंदरूनी गर्मी होती है, वो दूसरों को उससे क्या गर्मी प्रदान करती है, अंदरूनी अग्नि से दूसरों लोगों को गर्मी प्रदान करती है, मतलब कि वही शेल्टर प्रदान करती है जिससे लोग जो होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, अपने को अच्छा फील करते हैं। जब जैसे बच्चा होता है, जब रोता है, तो वो सबसे ज़्यादा, उसको अगर किसी भी चीज़ की तकलीफ होती है तो फिर वो मदर के गोद में होता है तो फिर उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट, एक अच्छा फील होता है, ठीक है। उससे सदा, लेकिन जो वुमेन होती है उसको हमेशा अपने हक से भी वंचित रखा जाता है। यहाँ पर लास्ट में एक और भी लाइन बताई गई है, उसको हमेशा अपने हक से वंचित रखा जाता है। वो सबको शेल्टर प्रदान करती है, लेकिन उससे उसका हक नहीं कभी भी मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइन्स की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43 से 50 लास्ट ये हमारी लाइंस हैं। तो इसमें क्या बताया जाता है, इसमें जो वोल्टेस है हमारी हिमानी बनर्जी जी, वो क्या बताती हैं कि उसको एक तरीके से फियरफुल कंस्ट्रक्शन माना जाता है धरती का। मतलब उसको जो मेल्स होते हैं वो एक तरीके से फियरफुल रहने के लिए बोलते हैं, फियरफुल कंस्ट्रक्शन बोलने के लिए बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति, जो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति, वो हमेशा रोया करती, आई क्राई आई प्रे, वो हमेशा लोगों के लिए प्रे किया करती है, रोती रहती है। और वो लोग, और वो साथ ही साथ अर्थ से क्या प्रे करती है, जब वो दुखी हो जाती है इन सभी चीज़ों से कि उसको उसका हक नहीं मिलता, तो अर्थ से क्या प्रे करती है कि धरती माता तुम फट जाओ, जिससे कि मैं तुम्हारे गोद में विश्राम कर सकूं, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या बोलती है कि क्योंकि मुझे यहाँ पर सभी लोग ऐसा पत्थर रॉक समझते हैं, जो कि एक ग्रेनाइट मोनोलिथिक से बनी होती है, उसको एक तरीके से रॉक रॉक के समान ट्रीट किया जाता है। इस वजह से वो धरती माँ से क्या बोलती है कि दो टुकड़ों में वो बट जाए, जिससे कि मैं तुम्हारे गोद में जा करके विश्राम कर सकूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो मेल्स हैं, मैं एक तरीके से मेल्स के हाथों से चलने वाली एक कठपुतली मानी जाती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बिल्ट बाय द मेल्स हैंड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या है मेरी, तो वो क्या बताती है कि मुझे मेल्स के हैंड से ट्रीट किया जाता है, मैं एक तरीके की मेल आदमियों के हाथ की कठपुतली मानी जाती हूँ। और हिस्ट्री में मेरी क्या औकात रही है कि मुझे एक तरीके से, एक तरफ तो माँ का दर्जा, बहन का दर्जा भी दिया जाता है, और दूसरी तरफ एक तरीके की वैश्या भी समझा जाता है, ठीक है। वैश्या का भी दर्जा दिया जाता है, मैं एक औरत हूँ, और औरत को एक तरफ तो माँ बहन का भी दर्जा देते हैं लोग, उसी तरफ दूसरी लोग एक तरीके से उसको
दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ उसी को ये सब वेश्या समझते हैं। ठीक है, वेश्या का क्या मतलब कि जो एक ऐसी औरत जो कि बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में रहती है, तो उसमें और एक मतलब खराब औरत के रूप में उसको जाना जाता है ऐसा हिस्ट्री में। ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है। सो आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें जो भी हैं क्लियर होंगी, लाइन सारी कुछ नहीं से तो कुछ तो आया ही होगा। और अगर अभी आप जाकर के अपनी जो भी आपके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल होंगी, जो भी क्वेश्चन बैंक्स वगैरह अवेलेबल होंगी, उन सभी से अगर आप जाकर के पढ़ेंगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आया होगा अगर आपने ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से सब चीज़ों को देखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स जो हमारी ये पोयम है वाइफ और इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, सॉरी, जो हमारी ये पोएम है वाइफ और इनकी जो हमारी पोइटस हैं हिमानी बनर्जी जी, तो उनसे रिलेटेड जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल के आते हैं उन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो तब तक बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और डिसलाइक करना मत भूलिए, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी करना मत भूलिए प्लीज़, लेकिन कुछ करके जाइए, ये मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में भी।